लगेज वगैरह भी जो है ना निकल रहे हैं। आंटी में जान देखो कितनी है भाई, हैं सुन उसने एक मार दी, हमने जहाज के बगैर ही दुबई पहुंच जाने हमने। भाई एमिरेट्स के जहाज बहुत प्यारे हैं यार, मैं कहता हूँ ईट्रोन भेज दिए जहाज ना ले लूं एमिरेट्स का एक, इंशाल्लाह वन डे। अच्छा तो यार लास्ट टाइम भी जब हम लोग दुबई आए थे तो बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई थी और आज भी बारिश स्टार्ट हो गई है भाई, पागलों की तरह बाहर आ गए हैं सारे, बारिश के अंदर हैं हम लोग जी। और यार फाइनली हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं भाई, मैंने बड़ा रोला डाला हुआ था कि हम लोग ठीक ठाक जा रहे हैं, तो ठीक ठाक जा रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं है यार। और हमारे बैग्स वगैरह रेडी हैं, ठीक है सारे से। हाउ आर यू ब्रदर, हाउ आर यू गुड। तो अभी हमारे जो है ना शॉन पॉल भाई जो है ना अभी लेने आए हैं हमारे बैग्स वगैरह, ठीक है, और ये ड्रॉप कर देंगे उधर लॉबी पे क्योंकि हमारी फ्लाइट है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं दुबई, दुबई में लगा लेंगे थोड़ा बहुत शुगर, वहाँ पे असल में काम शाम है वरना हम पाकिस्तान चले जाते हैं। मैंने कुछ हम लोग को पता है बड़ी मीटिंग होती है मेरी वहाँ पे, बिल्डिंगे खरीदी हुई है तो वहाँ पे जो है ना बड़े बाइंग सेलिंग बड़ी चीजें होती रहती है, तुम लोग को पता है यार। चुप कर कुत्ते। एनीवेज वेलकम बैक, हो गए तुम सब कहना तो व्लॉग के अंदर, अगर अभी तक तुम लोगों ने डकी भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया हो तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। अ फ्यू इंचेस लेटर हमारी बस भी आ गई है जो हमें जो है एयरपोर्ट छोड़ने जाएगी, सामान हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया अपना सारा। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, ठीक है, हमारे जहाज जूस वगैरह भी रेडी हैं, ठीक है, अब चलते हैं सीधा दुबई। चलो जी, तो लगेज वगैरह भी जो है ना निकल रहे हैं। आंटी में जान देखो कितनी है भाई, हैं सुन उसने एक मार दी, हमने जहाज के बगैर ही दुबई पहुंच जाने हमने। तो यार बैग वगैरह हमारे निकल आए हैं, आओ चले यार लेट्स गो। रूबी अपना गुची बैग ही पकड़ लो यार, मेरे जिम्मे लगा दिए तुमने। तो बस यहाँ से जो है ना हमने बोर्डिंग पास वगैरह ना चेक इन वेक इन करनी है, ठीक है, लगेज वगैरह जमा करवाना है, ठीक है, उसके बाद जो है सारे चार घंटे की हमारी दोबारा से फ्लाइट है भाई। तू आकरो प्लेन खाली होता कि मैं सो जाऊँ यार पीछे लम्बे पैके। मेरे हाल प्लेन खाली होगा सब लोग। ये तुम्हें प्लेन खाली लग रहा है, इतने लोग जो है ये लाइन में खड़े हुए हैं, एक ही फ्लाइट के हैं सारे। प्लेन प्लून कोई खाली नहीं है, कोई बात नहीं, मैं पायलट की जोली में जाके बैठ जाऊंगा मैं तो। निकल Thank you. A few inches later. बोर्डिंग पास वगैरह हम लोग को मिल गया और सामने चेक करो भाई प्लेन आ रहा है हमारा एमिरेट्स का। क्लास भाई। बस ये अभी फ्लाइट लैंड हुई है दुबई से, ठीक है, ये यहाँ से सारे पैसेंजर वगैरह उतरेंगे फिर हम वापस इस जहाज के अंदर बैठेंगे। वैसे जहाज अपना ही है, रुकवाने तो रुकवा सकते हैं। गजब बेइज्जती है। ओए कितना बड़ा जहाज होता है भाई, और ये चीज हवा में उड़ती है, सोचो हवा में उड़ती है ये चीज। वेरी डेंजरस। भाई एमिरेट्स के जहाज बहुत प्यारे हैं यार, मैं कहता हूँ ईट्रोन भेज दिए जहाज ना ले लूं एमिरेट्स का एक, इंशाल्लाह वन डे। अच्छा भाई माशाल्लाह से क्या क्लास की मशीन है भाई, ये मशीन जो है ना ये जाके जुड़ जाएगी बिल्कुल जहाज के दरवाजे पे। एयरपोर्ट अपना ही है तो एक्सेस मिल गई है हमें पूरे जहाज की। ये जुड़ गया जी दरवाजा। ओए होए होए यार प्लेन का बड़ा अच्छा सिस्टम है भाई, हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल यार जहाज हमारा रेडी हो गया भाई, साथ कतर एयरवेज भी अभी लैंड हुई है, अभी अभी वो भी साथ ही खड़ा हुआ है भाई, एयरपोर्ट के अंदर घुस गया आपका भाई। पूछा मैंने कुछ, कितना मजा आता है इस तरह की जगहों पे यार। बात तो सही है। और गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया, संभाल कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। चलो चलो दुबई हम लोग लैंड हो गए हैं, ठीक है, और ये पता नहीं कहाँ पहुंच गई है, कब से सो रही है, पूरा जहाज खाली हो गया, मैं इसको उठा उठा के थक गया। काकी उठ उठ जो रूब, कोई नहीं 15-20 मिनट इसको सोने देते हैं, ठीक है, और उसके बाद निकलते हैं जहाज से। 15 मिनट्स लेटर। तुम लोग बड़ी गहरी नींद सोई हुई थी भाई, अभी भी सो रही हो, क्या नाम है तुम्हारा, भूल गई हो शायद नींद में। अभी जो है ना बस्ते वगैरह कलेक्ट करते हैं अपने, ठीक है, और उसके बाद निकलते हैं बाहर, मौसम बड़ा लेवल का है दुबई का। A few moments later. अरे तो यार दुबई से बाहर आ गए थे हम लोग, ठीक है, हम लोग सामान सामून लेके जो है ना गबरू भाई के घर आ गए हैं, सही है, थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करते हैं, खाना शाना खाते हैं। अरे आ जा, कैसा है? ठीक ठाक, तू बता।
अल्लाह का शुक्र, आप बताओ भाई। तू अभी समुद्रों में था, अभी किधर था? समुद्रों में था मछलियों के साथ। और मछलियों के साथ आ गया, कुत्तों के साथ आ जा, अंदर आ जा। कुत्तों के साथ सामान लेकर आता हूं। हां जी कुत्तिया ठीक है, अब मैं आ गया हूं वापस। अबे भाई तू तो अभी वहां पर था, इतना कौन सी जगह था? सागा मागा सुगा मुगा भी था वहां पर, करने को कुछ नहीं है कसम से यार, बोर हो गया मैं। दुबई का जो वेदर हुआ है ना, हां पागल जमा भी हो जाएगा। बारिश हो रही है ऐसी कड़क थी, बारिश होने वाली है, मैंने काले काले बादल देखे हैं भाई। फ्रेश हो जा जरा, आ जा। पहले भी बुरा लग रहा था, अब भी बुरा लग रहा है। Two hours later. तो यार लास्ट टाइम भी जब हम लोग दुबई आए थे तो बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई थी, और आज भी बारिश स्टार्ट हो गई है भाई। पागलों की तरह बाहर आ गए हैं सारे, बारिश के अंदर हैं। दुबई वालों को तो बहुत ही रेयर बारिश देखने को मिलती है, इसलिए कहते हैं बारिश में बाहर आ जाओ भाई, वरना फिर अगले साल तक होगी, साल बाद होगी बारिश। सर्दी बहुत हो गई है भाई, बारिश हो रही है माशाल्लाह से दुबई में। रात के 2 बजे हम लोग आए हैं बाहर, बारिश एंजॉय करते हैं भाई। रोड्स वगैरह गीली हो गई हैं और खाली खाली भी है, क्योंकि आधी रात को हम लोग बाहर आ गए थे, वो सामने बुर्ज खलीफा भी चमक रहा है। असल में दुबई में जो है ना बारिश होती है आर्टिफिशियली, नमक नुमक जो है ना वो बादलों में फेंक के उसके बाद जाके बारिश होती है। अच्छा, डायरेक्ट डेजर्ट है, हाँ। कहते हैं उसको क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग कहते हैं भाई। हमारे मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। क्लाउड के अंदर जो है ना वो बीज डालते हैं, बीज डालते हैं, तो ये आर्टिफिशियल बारिश देख देख के थक नहीं गए आप? नहीं यार, कुछ आर्टिफिशियल भी चले गए हमें। दिलफुदा यू शुड सी नेचुरल रेन एंड कम टू पाकिस्तान सम टाइम। आई विल, बट व्हेन? व्हेन है? डकी विल इनवाइट हो गया तुम लोगों के सामने। अब ये आता है नहीं आता वो फिर तुम लोगों ने इसके पीछे पढ़ना है, फिर तो गेम बचाना पड़े। ऐसे इनवाइट करेगा तो ना, ऐसे कैसे इनविटेशन लेटर भेज, इतना बड़ा कुछ और भेज। Tomorrow. तो अगला दिन शुरू हो गया, ठीक है, और अभी जो है ना हमें जाना है मस्जिद, क्योंकि आज है फ्राइडे, ठीक है, तो जुमा हम लोगों ने मिस नहीं करना। मैं बस जुमा वगैरह पढ़ के आया, फिर चलते हैं कहीं पे मजे की जगह पे। इतनी नींद में हो, जाके सो जाओ 2 मिनट के लिए। A few inches later. जुमा कहाँ पे हो रहा है? जुमा ओके, समझ गया, जुमा पढ़ रही है, फिर मुलाकात करते हैं। जुआ वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, अभी जो है ना रूम को जाके पूछ लेंगे कुछ खाने जाने तो बताओ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना भूख लगी है, सुबह का कुछ ही खाया हुआ भाई। Okay. कुछ खाना है? हाँ बहुत भूख लग रही है। मंदी जल्दी खाने चलते हैं यार, फिर पाकिस्तान में मौका नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम चाचू, मंदी जाना है, मंदी रेस्टोरेंट है ना? मंदी रेस्टोरेंट का बताओ। मंदी रेस्टोरेंट मैप पे सर्च करो, मिल जाएगा। थैंक यू सो मच चाचू। तो हम लोग जो है ना मंदी वगैरह खाने बैठे हैं, और सामने भाई व्यू वगैरह चेक करो भाई, क्या लेवल का जो है ना दुबई फ्रेम का व्यू है। बस यहाँ से खाना शाना फारिग होते हैं, फिर गबरू लोगों की तरफ चलते हैं। गबरू लोगों को भी मैंने पूछा था कि खाना खाने के नहीं, लेकिन वो सोए हुए थे तो मैंने उठाया नहीं उनको, तो इसलिए मैं और रूब आ गए। बस अरबी लग रही हो तुम, अरबी अर्बन। A few moments later. तुम्हारे टाइप की चीज नहीं है, तो इसलिए पूरी की पूरी ट्रे मेरे सामने रख दो और तुम बैठ के वो सूप पियो बस। चुप कर बे कुत्ते। भाई क्या क्लास की मटन मंदी आई है भाई, ओए होए मजेदार, सुपर सॉफ्ट जूसी टेंडर। काश तुम्हें भी शौक होता मटन का, तो तुम्हें पता लगता कि क्या मिस आउट कर रही हो तुम। तो यार अभी यहाँ पे फुल फैमिली साइज मटन का पूरा वो पड़ा हुआ था, सारा खा चुका है ये मोटू और अभी भी खा रहा है, पेट नहीं भरता तुम्हारा, मैंने हिसाब लगाया फैमिली साइज पूरा मटन खा के पेट भर गया तुम्हारा, मजा आ रहा है? ट्रस्ट मी गाइस, मैंने एक बाइट भी नहीं लिया, मैंने मटन इतना सा चखा भी नहीं, मैंने सिर्फ चावल थोड़े से खाए हैं। और ये सब 3 लोगों का खाना था यार, वो फैमिली हमने करवाया था पैकेज, वेस्ट तो नहीं ना करना, मैंने चावल भी खाने वाले सारे। बदन में थकावट बहुत ज्यादा हुई है। कल मुलाकात करते हैं दुबई के अंदर, हम बस सिर्फ एक छोटे से काम से आए हुए हैं, फिर हमें चले जाने पाकिस्तान वापस। कुछ लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई ब्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना। वो देखो जैसे ही मैं बोलना शुरू हुआ वो भी आ गया भाई, कैसा है? ठीक है, खराब हो जाएगा मैं मार। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई ब्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल। ओके।